हेलो एंड वेलकम गाइस। तो गाइस आज हम लोग खेल रहे हैं टाइटैनिक स्टोरी। ओए टाइटैनिक दोबारा से। हे भैया एक टाइटैनिक स्टोरी है, मजा आएगा भैया खेल के। ओए मरना तबाही मचा देंगे। ए भैया तबाही आप क्यों मचाएंगे? वो तो भैया टाइटैनिक के अंदर मचेगी ना। ओए हाँ मरना, मैंने सुना है टाइटैनिक डूब जाती है, हम लोग भी डूब जाएंगे क्या? ए भैया हम लोग सर्वाइवल बनेंगे आज के। ओए लेकिन नहीं बन पाए तो। ए भैया जरूर बनेंगे। ए देखो भैया मॉम कुछ कह रही है। मॉम बोल रही है कि मुन्ना उन्हें टाइटैनिक के टिकट्स मिल गई हैं। क्या बात कर रहे हो? ओए तब तो जल्दी जल्दी पैकेजिंग करनी चाहिए मुन्ना। लेकिन भैया मुझे तो विश्वास नहीं हो रहा है कि भैया मॉम को टिकट्स कैसे मिल गए। ओए ये सब बकवास मत कर मुन्ना, इट्स टाइम टू पैकिंग। लेट्स गो भैया, पैकिंग करते हैं, मजा आएगा। भैया वैसे आप क्या क्या सामान ले जाओगे? मुन्ना जो भी मिलेगा सब बटोर लेंगे। ओए क्या मतलब है, पूरा घर ही ले जाओगे? ओए घर नहीं ले जाएंगे मुन्ना, मुन्ना जरूरत का सारा सामान लेंगे सारा। चल तू बाहर आ जा। बाहर क्या कर रहा है? बाहर आ जाओ। बाहर क्या करो? मतलब भैया मैं अंदर था। ओए हाँ अंदर क्या कर रहा था? बाहर आके सामान वगैरह इकट्ठा कर। चल भैया सामान इकट्ठा हो चुका है, अभी तो भैया निकलने का वक्त हो चुका है। ओए मुन्ना हम लोग को ट्रेन स्टेशन तक पहुंचने के लिए जल्द से जल्द चलना पड़ेगा। उसके लिए क्यों ना हम लोग फार्मर्स की बैलगाड़ी ले ले। ए भैया लेकिन फार्मर मानेगा नहीं? ओए जरूर मानेगा, कैसे नहीं मानेगा, चल लेट्स गो। ओए ये क्या, ये तो भड़क गया। अरे भागो भैया, वो नहीं तो नहीं छोड़ेगा। ओए ये तो कतई ज़ॉम्बी बन के घूम रहा है, भाग मुन्ना भाग। अरे भैया मैं तो भाग ही रहा हूँ, अभी बच गया ना। ओए मैं बच लूंगा, टेंशन मत लो, तेरे तो मेरे पीछे पड़ गया। अरे भागो भैया वहाँ से, नहीं तो वो आपको छोड़ेगा नहीं। आपने भैया उसकी बैलगाड़ी छुड़ाने की बात कैसे की? ओए नहीं चुराऊंगा, ठीक है ना। ए भैया मुझे तो बचाओ, तू उसके पास क्या खेल खेल रहा है? जल्दी आ जा नहीं तो फोड़ डालेगा तुझे। अरे आ रहा हूँ भैया आ रहा हूँ, मैं बस भैया ऑलमोस्ट पहुँच ही गया। ओए जल्दी आ मुन्ना, तेरे पीछे जस्ट लगा हुआ है। पता है भैया मैं क्या ही कर सकता हूँ। भागो भागो, अभी भैया फार्मर कुछ नहीं कर पाएगा। मैं पहुँच गया भैया, पहुँच गया, मैं भी पहुँच गया, जल्दी सर्कल के अंदर आ जा। हे भैया मैं तो ऑलरेडी आ चुका हूँ। बहुत बढ़िया, अभी तो मुन्ना ट्रेन पकड़ के फटाक से चलेंगे। ओए हे भैया कहीं ट्रेन छूट ना जाए। ऐसे कैसे छूट जाएगी? ओए ट्रेन लगते स्टेशन में आ चुकी है। हाँ भैया मुझे भी लगता है कहीं भैया हम लोग को देर ना हो जाए। ओए मॉम बोल रही है ना हम लोग को ना रिलैक्स होकर रहना चाहिए, रिलैक्स। अरे भैया ट्रेन छूट जाएगी तो भैया हम लोग की टाइटैनिक की टिकट्स भी बर्बाद चली जाएंगी। और ट्रेन छूटने और टाइटैनिक की टिकट से तेरा क्या मतलब है? अरे भैया ये ट्रेन ही तो हम लोग को भैया टाइटैनिक तक पहुँचाएगी। अच्छा ये बात है क्या? भाग फिर जल्दी से ट्रेन पकड़ते हैं और फटाक से टाइटैनिक में चलते हैं, मुन्ना हम लोग को मौका मिला है टाइटैनिक में बैठने का। लेकिन भैया आपने जो सुना है उसका क्या? ओए वो जय भाड़ में मुझसे क्या, डूबेगी तो डूबेगी, कम से कम टाइटैनिक में तो बैठेंगे। ओए हाँ भैया मे भी ऐसा ही हो। क्या मतलब है मे भी? ओए हम लोग जरूर बैठेंगे मुन्ना, टेंशन मत ले, चल ट्रेन में तो बैठ चुके हैं, अब ये ट्रेन फटाक से हम लोग को वहां तक पहुंचा देगी। ओए एग्जैक्टली भैया लेट्स गो। ओए बल्ले बल्ले, ते सावा सावा। ए भैया अभी सावा सावा बंद करो। अरे बाप रे भैया देखो तो, ओए टाइटैनिक, ओए क्या बात है, कितनी बड़ी है ये। हाँ भैया बड़ी तो होगी भैया, ये दुनिया की सबसे बड़ी शिप थी यार। ओए हाँ देख तो इसका साइज देख। अरे बाप रे भैया टाइटैनिक क्या है? अरे बाप रे भैया कोई मॉम का बैग छीन के भाग गया। ओए इसकी तो अभी इसको ये सब करना था, पकड़ उसे। ए भैया बाप टेंशन मत लो, क्योंकि अब वो चोर आग सिंह बॉडी वाले के चंगुल से नहीं बच पाएगा, क्योंकि भैया टाउन के चंगुल से बचना मुश्किल ही नहीं ना मुमकिन है। ओ तू पकड़ तो लेगा पहले, डॉन गिरी बाद में दिखाइयो। हाँ भैया जा ही रहो। अरे भैया हम उस तक पहुँचेंगे कैसे? क्या मतलब पहुँचे कैसे, बॉक्स में चढ़ना? अरे भैया इस बॉक्स में तो चढ़ ही नहीं पा रहे। इसके तो इसको उतार नीचे, और नीचे उतार मूर्ख कहीं के। ए भैया ये चोर तो ऊपर ही चढ़ा है, एक मिनट पीछे पुलिस है, इसको पता नहीं है। लेट्स गो भैया अभी पुलिस पकड़ेगी। हे पकड़ा गया भैया। और बोल बहुत हंस रहा था ना, चल अब जल्दी से बैग दे दे। हेलो अंकल जी बैग दे दो, वो हमारी मॉम का बैग है। ए भैया अभी तो बैग मिल जाएगा। ए भैया कहीं टाइटैनिक ना मिस हो जाए। और जल्दी जल्दी चढ़ मुन्ना, क्योंकि यहाँ पे शिप का हॉर्न बज चुका है,
ए भैया फाइनली यार पहुंच ही गए। भैया पता नहीं क्या क्या अड़चने आती रहती है। वही तो मुन्ना, बहुत सारी मुश्किलें आई लेकिन आखिरकार हम लोग टाइटैनिक में पहुंच ही गए। ए भैया मुझे भूख लगी है। और भूख लगी तो शेफ को बुला ना, वही तो खाना बनाएगा। शेफ को कहां से बुलाए? अरे बाप रे, ये कौन सा शेफ आ गया? भाई ये तो गुस्सा हो गया तेरी तो। अरे भैया यार हम लोगों ने तो यही बोला था कि हम लोग अरे खुद से मिलके खाना बनाएंगे, लेकिन भैया शेफ गुस्सा हो गया। ओए ये पता नहीं गुस्सा क्यों हो गया। और ठीक है तू ये बना लियो। ओए मुन्ना अब क्या करे, अब क्या करना है, भागो भैया यहाँ से। ओए कहाँ भाग जाए, ये जब निकलने का मौका दे तब ना मुन्ना। ए भैया अभी क्या करे? ओए बस मुन्ना भागता रहा और तब तक भागेंगे जब तक ये हमारा पीछे ना छोड़ दे। ये सैफे की जॉम्बी है। ओए ये मुन्ना कैसे कैसे लोग मिल रहे हैं। वही तो भैया। अरे बाप रे खूंखार सैफ चला गया भैया। ओए चला गया, बहुत अच्छा हुआ मुन्ना, मैं तो डर ही गया था। ए कोई ना भैया, ऐसा होता है। चलो भैया अभी यहाँ से निकलते हैं क्योंकि यहाँ पे रुकने का कोई फायदा भी नहीं। ओए मैं आ रहा हूँ, मैं अभी कहाँ से निकल गया। अरे भैया वेंट्स के थ्रू आ जाओ ना, एक सामने वेंट है। ओए अच्छा ये वाला है क्या, लेकिन मैंने यहाँ से हम लोग जाएंगे कहाँ पे? कहीं भी जाए लेकिन भैया यहाँ नहीं आएंगे, बड़ी फालतू जगह थी। वही तो, खाना मांगना खाना बनाना दोनों मुन्ने गुनाह है उस जगह पे। वही तो भैया। ये भैया देखो यहाँ पे स्विमिंग पूल भी है, मजेदार। ओए मुन्ना आज तो हम लोग यहाँ पे एंजॉय करेंगे, मैंने सोचा नहीं था कि टाइटैनिक के अंदर स्विमिंग पूल भी होगा। ए भैया लेकिन आपको ऐसा क्यों लगा? ओए इसीलिए लगा क्योंकि मुन्ना क्योंकि देखना सिर्फ खुद ही पानी के अगल बगल चल रहा है, उसके अंदर भी स्विमिंग पूल है। चलो भैया अभी मुझे नींद आ रही है, अभी सोते हैं क्योंकि भैया रात काफी ज्यादा हो चुकी है। ओए चल ठीक है मुन्ना, गुड नाइट। गुड नाइट भैया। ओए मुन्ना ये कैसी आवाज आ गई? अरे भैया यार ये पूरा उसी फिल गई है। ये क्या हुआ? ओए वही तो मुझे समझ आ रहा है, ये हो क्या गया? ओए लगता है भैया टाइटैनिक के साथ वही हो गया जो हम लोगों ने स्टोरीज में सुना था। ओए क्या मतलब है तेरा, ये किसी आइसबर्ग से जाके टकरा गई? ए भैया मुझे भी यही लगता है। ए भैया बाहर इतनी हलचल क्यों है? ओए हलचल नहीं रहेगी क्यों तो क्या होगी, मुन्ना सच्ची में किसी आइसबर्ग से लगता है टकरा गई है। ए भैया अभी क्या होगा? ओए अभी क्या होना क्या है? ओए हम लोग को जल्द से जल्द एग्जिट की ओर भागना पड़ेगा। ए भैया भागो ना यार। ओए भाग मुन्ना, ये रही एग्जिट, हम लोग जल्द से जल्द भाग नहीं। ओए एक मिनट। अरे भैया अभी क्या हो गया? कुछ सोचने का टाइम नहीं है, भागो भैया यहाँ से। ओए लेकिन कैसे? अरे अब कैसे क्या मतलब है? अरे भैया ये क्या, मॉम के पास एक लेडी आई है, भैया इस लेडी को बच्चा खो गया है। बच्चा खो गया? ओए कोई दिक्कत नहीं मैम, हम लोग आपका बच्चा ढूंढ के लाएंगे। चल मुन्ना जल्दी हम लोग को ये रेस्क्यू ऑपरेशन चलाना पड़ेगा। लेकिन भैया इनका वो बच्चा किस रूम में होगा? वो ढूंढना, तू इधर ढूंढ मैं उधर ढूंढता हूँ। ठीक है भैया। भैया आज इन मैम के बच्चे को ढूंढ निकालना है, चाहे कुछ भी हो जाए। कुछ भी क्या है, सिर्फ मुन्ना डूबने वाली होगी। ए भैया बच्चा मिल गया। मिल गया? ओए किधर है? ए भैया इस रूम में है, जल्दी आओ। ओए किस रूम, ये इस रूम क्या होता है? ओए अच्छा इधर है, चल चल मुन्ना लेडी को जल्दी उनका बच्चा देते हैं। ओए ठीक है भैया। चलो भैया अभी तो उनको उनका बच्चा मिल चुका है, लेकिन भैया हम लोग की एग्जिट ब्लॉक हो चुकी है यार। क्या मतलब है ब्लॉक हो चुकी है? हाँ भैया सामने तो देखो। ओए अब किधर से जाएंगे नूब? अरे भैया मुझे क्या पता, आप ही कुछ आइडिया लगाओ ना। ओए कोई दूसरा रास्ता तो होगा ना? दूसरा रास्ता? लेकिन भैया दूसरा रास्ता कहाँ से मिलेगा? ओए भाग मुन्ना, कहीं ना कहीं से दूसरा रास्ता होना ही चाहिए। सामने कोई डोर है, देखता हूँ। बोला कैसे एग्जिट है? ओए मुन्ना कुछ समझ नहीं आ रहा। अभी समझ में आएगा भैया, ये देखो। ओ ये क्या एग्जिट है कि क्या है? है भैया अभी हम लोग के पास एक ही रास्ता है कि भैया हम लोग यहीं से एग्जिट हो सके। ओ लेकिन कैसे है? देख रहा मुन्ना वाटर में इलेक्ट्रिक वायर पड़ी हुई है, अगर हम लोग गलती से वाटर में गया तब तो हम लोग का बैंड बच जाएगा। ए भैया आप लोगों को पता है ना हम लोग पार्कोर कर सकते हैं। ओए कर तो सकते हैं लेकिन कंफ्यूजन ना हो जाए। अरे चलो ना भैया, कंफ्यूजन होगी तो होगी, देख लिया जाएगा। अभी भैया ये अरे अरे ये क्या हो गया? ओए मुन्ना कोई कंफ्यूजन नहीं, जल्दी जल्दी आ जा। वही तो रहो भैया, कोई कंफ्यूजन नहीं। अरे बाप रे भैया मैं गिर गया, बोला था ना कंफ्यूज हो जाएगा, मेरे पीछे पीछे मत आ। ए यार भैया कोई बात नहीं, मैं एक बार रिस्पॉन कर सकता हूँ। ओए क्या बात है, ये तो अच्छी बात है, आ जा मैं तो पार ही कर गया। लेट्स गो भैया, अभी तो हम लोग को कोई नहीं रुक पाएगा। एग्जिट हो गए। ए भैया देखते हैं कहाँ पे आ गए। ओए मुन्ना टाइटैनिक तो डूब गई, और मुन्ना अभी हम लोग एग्जिट पे पहुंचे हैं।
हे भैया सामने देखो, एक बोट है जिसपे भैया सारे लोग बैठे हुए हैं। लेकिन उस बोट तक पहुंचेंगे कैसे? अरे भैया वो रेस्क्यू किए हुए लोग हैं। भैया हम लोग को उस बोट तक किसी भी हाल में पहुंचना पड़ेगा, क्योंकि भैया वाटर बहुत ही कोल्ड है और भैया हम लोग वाटर के थ्रू नहीं जा सकते। और तो चल मुन्ना, वाटर के थ्रू नहीं जा सकते लेकिन पार्कौर करके तो जा सकते है ना। हे भैया ये हमारे लिए एक प्रकार से पार्कौर की तरह है, लेकिन भैया हम लोग को हार नहीं माननी चाहिए। ओए तो चल फिर, मुश्किल वक्त कमांडो सख्त। लेट्स गो भैया, अभी तो भैया पार ही आ गए। ए हम लोग आ रहे हैं, हमें बिना छोड़ के मत जाना यार। मॉम भी आ रही है ना? हाँ भैया मॉम तो आ ही रही है। मॉम के बिना भैया हम लोग कैसे जाएंगे? ओए लेट्स गो, पहुंच गए। मैं भी आ गया और दोस्तों मॉम भी आ गई। चलो अभी तो सभी लोग आ गए, अभी मुन्ना हम लोग पहुंच जाएंगे। चलो भैया फाइनली कम से कम पहुंच गए। और भैया आज के बन गए हम हैं लोग सर्वाइवर। ओए क्या बात है, हम लोग सर्वाइव कर गए, वो भी दोस्तों टाइटैनिक सी डूबती हुई शिप से। ओए मजा आ गया भैया। और गाइस आप लोग को भी हम लोग का ये सर्वाइवर स्किल्स पसंद आई हो तो जल्दी से कर देना वीडियो पर लाइक। ओए हां दोस्तों चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। और बाकी दोस्तों आप सभी को तो बताना, मिलते हैं आप सभी को नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए सभी को बाय बाय। हाँ गाइस सभी को टिल देन टेक केयर, बाय बाय।